हाँ, तो हमने जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सीलेंट्रेटा, जिसको हम निडेरिया बोलते हैं, हमने पॉलीप और मेडुसिफॉर्म पढ़ी थी, याद आया किसी को? तो यस सर, पॉलीफॉर्म में जैसे मैंने बताया था, देखो एक मेरे पास पॉलीफॉर्म होती है, पॉलीफॉर्म किसके जैसी होती है? हाइड्रा के जैसी, यस और नो? मैंने बताया था ना इस तरीके से कुछ कुछ मेरे पास हाइड्रा होते हैं। तो अच्छा ये बताओ, ये एक ही जगह पे रहते हैं या उड़ते रहते हैं? एक ही जगह पे रहते एक तो हैं, ये फ्लेक्सिबल एक ही जगह पे रहते होते हैं, हैं। हाँ, सेसाइल, सेसाइल, सेसाइल होते सारे। ठीक है। तो फाइलम निडेरिया हम पढ़ रहे थे। निडेरिया का मतलब सिलेंट्रेटा होता है, साहिल, साहिल और यस चंदन। सर, चंदन मेरी आवाज आ रही है? यस सर, तो पॉलिप मेरे पास मैंने लिखवा दिया था ना शायद, ये ये हाइड्रा सब हो गया। लिखवा दिया था, अच्छा, और मैथ्स एक फाइलम में आ एक गया। मेरे पास वो भी था जो दोनों शो करता है, मतलब पॉलिप भी शो करता है। ओबेलिया, मैं, यस, ओबेलिया। तो ओबेलिया, मेरे पास एक था ये मेडुसे स्टेज, जो कि मूवमेंट करता है, ठीक है, और एक ओबेलिया है। ओबेलिया दोनों फॉर्म शो करता है, पॉलिप भी और मेडुसा भी। तो ये नीट का क्वेश्चन है। तो ओबेलिया मेरे पास पॉलिप और मेडुसे दोनों शो करता है, इस चीज का ध्यान रखा जाए। प्यारे प्यारे बच्चों, गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है, इनमें से कौन सा वाला है जो कि ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है? ए सेक्सुअल पॉलिप, पॉलिप, रिड्यूस करता, यस, सेक्सुअल ये ए करता, सेक्सुअली। और मेडुसे क्या करता है? सेक्सुअली ए सेक्सुअल, सेक्सुअल करता है, एक्चुअली। ठीक है। तो ठीक है भाई, तो ओके। एम एस वर्ड तो जानते ही होगे ना, एम एस वर्ड तो याद रखना। एम एस का मतलब मेडुसे क्या करता है? सेक्सुअल, ठीक अच्छा है। हाँ, जो, और जैसे हर किसी का पी ए होता है, मेरा पी ए, ठीक है ना, मेरे पास पी ए ना, मेरा जो काम करता है सारे, तो रिजल्ट में सब वही पर्सनल डालता है। तो पी ए का मतलब क्या है? पॉलिप क्या करता है? असिस्टेंट। ए सेक्सुअल। हाँ, तो मेरा हाँ पी ए है, ठीक है। तो जो स्टेटस डालता है, मेरे स्टेटस कंट्रोल वही करता है, हाँ ठीक सर, है। अच्छा तो अच्छा ठीक है भाई, तो ये मेरे पास क्या है? सिंपल निडेरिया। अब मेरे पास क्या आएगा भाई? फाइलम टीनोफोरा, टीनोफोरा। तुमने नाइन्थ क्लास में नहीं पढ़ा था, क्योंकि नाइन्थ क्लास में उसे हटाया गया था। तो मेरे पास एक नया फाइलम है जिसका नाम है नीटोफोरा, सी इसमें साइलेंट है। तो अगर मैं नीटोफोरा की बात करता हूँ, तो देखो ये मेरे पास क्या है? ये एक्सक्लूसिवली क्या होंगे? मैरीन होंगे, राइट? तो दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन, क्योंकि ये कहाँ मिलते हैं हमको? यस, कोई बता सकता है? सर यस, तो ये हमको पानी में ज्यादा। पानी में ज्यादा मिलते हैं। देखो सबसे पहले जितने भी है ना, पॉरीफेरा, सिलेंड्रिया, नेटोफोरा, ये तीनों ज्यादातर पानी के लिए ही हैं, ठीक है ना। ये, और इनके पास भी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, लेयर नहीं आती है, दो ही लेयर होती है, डिप्लोब्लास्टिक। अच्छा, इनकी भी शेप जो होती है ना, इस तरीके से होती है कि ये रेडियली सिमेट्रिकल हो जाए, मतलब कहीं से भी तुम डिवाइड करोगे तो ये ऑलमोस्ट इक्वली निकल के आती है। तो ये रेडियली सिमेट्रिकल है, ठीक है, रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा या टिश्यू? सेल, टिश्यू, टिश्यू, सेल था मेरे पास पॉरीफेरा, उसके बाद ये दोनों जो हैं, ये मेरे पास क्या है? टिश्यू लेवल, राइट? तो टिश्यू ये मेरे पास टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी है इनकी, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अच्छा, तो टिश्यू लेवल है तो क्या ऑर्गेन होंगे इसके पास? देखो टिश्यू है तो होंगे ऑर्गेन सर, नहीं होंगे। सॉरी, ऑर्गन होंगे पर ऑर्गन सिस्टम का नहीं हो सकता। एक सेकंड, एक सेकंड, ठीक है, सॉरी ज्यादा सॉरी हाथ मत। सॉरी, मेरे, एक सेकंड, सेकंड, मेरे मुझसे गलत निकल गया। मैंने हाँ पूछा था टिश्यू लेवल है तो सेल्स होंगे या नहीं होंगे? सब देखिए सब, मैं तो सही बोल हाँ, रही ठीक थी है, सेल्स होंगे, ऑर्गेन नहीं होंगे, ठीक है, सर। ठीक है। आपने ऑर्गन मेरे पूछा था, मेरे मुंह से गलती से निकल हाँ गया, ठीक है। इसीलिए मैंने हाँ, बोला कि नहीं ठीक है, ठीक होंगे। है, ठीक है। अच्छा, गुस्सा एक जगह नहीं, बहुत गुस्सा हंसी नहीं, आई, स्वास्थ्य का गुस्सा नहीं, यस, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ, तो ये हमारे पास क्या है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अच्छा देखो, इनकी बॉडी जो होती है ना, जैसे इनकी बॉडी पे ना ऐसे ना प्लेट्स बनी होती हैं, ऐसे जैसे फुटबॉल होती है ना, फुटबॉल की प्लेट्स ही बनी सर। होती है। तो इनकी बॉडी में ये इस तरीके से प्लेट्स ही बनी होती है, जैसे बहुत एग्जाम्पल है प्लीरोब्रांकिया, टीनोप्लेना, ये इनके नाम है। तो इनके ना बॉडी में ऐसे प्लेट्स ही बनी होती है इस तरीके से, अभी दिखाऊंगा मैं पिक्चर। तो फुटबॉल जैसे, मान लो फुटबॉल के ऊपर किसी ने पूंछ बांध दी उसकी और फेंक के मार दिया। अच्छा वो देखे, वो जो शादियों में वो बजाते हैं ऐसे, एक वो इस पकड़ के हाँ, ऐसे ऐसे, देखा जो सर, जो देखा है। जो छुनछुना सा बजता रहता है ऐसे ऐसे, बहुत तेज आवाज होती है उससे, एकदम बंद होता है। हाँ, और उसके तो रिबन्स होते हैं उसके हाँ हाँ नीचे। रिबन, जैसे वैष्णवी एक बार कर रही थी, ठीक है, ऐसे थे। तो इसका मतलब, तो उससे बहुत तेज आवाज आती है। कुछ लोग तो जो, मतलब कुछ लोग जो बहुत ज्यादा डांस करते हैं, वो उनसे छीन लेते हैं कि ला हमें दे, और फिर ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके बजाते हैं, देखे ना। अरे सच में, मेरा एक फ्रेंड था अभी, आंटी अरे अभी हिमांशु से की शादी हो रही थी ना, तो फ्रेंड थे उसमें, तो फ्रेंड में क्या करा उनसे, वो छीन लिया और वो ऐसे ऐसे करके ऐसे से बजा रहा, मेरा मैंने, और मैं उससे छीन रहा था, तो वो मुझे दे नहीं रहा, कह रहा मैं नहीं दे रहा। मैंने कहा बताओ, तो मतलब उसके ऊपर लड़ाई हो रही है मेरे डांस करने के चक्कर में। तो वो इसी इसी के जैसा होता है, उसमें ऐसे झुंझुने से लटके होते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास, तो इसके अंदर ना ऐसे ना एट बने होते हैं, ठीक है। सो दे कंटेन एट वर्टिकल रोज,
एक वर्टिकल रोज होती है, ठीक है। तो अच्छा, तो ये इसके ना सीलिया भी होते हैं इन रोज में, ऐसे ऐसे छोटे छोटे सीलिया निकले होते हैं। सीलिया मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर, राइट? ऐसे ऐसे, यस सर। तो ये ऐसे ऐसे सीलिया लाइक स्ट्रक्चर है। तो 8 वर्टिकल रोज है और ये रोज होती है, कहना इट इज अ सीलियरी बैंड्स, क्योंकि इसके पूरे बैंड पे क्या है, सीलिया बने हुए हैं। यस और नो? यस सर। चंदन, तो इसको सीलियरी रोज बोलते हैं क्योंकि ऐसे बाहर निकले होते हैं। तो इनको हम बोलते क्या है, इनको हम बोलते हैं कॉम्ब प्लेट्स। क्या बोलते हैं? कॉम्ब प्लेट्स। अच्छा मान लो अगर ये ऐसे निकले हुए हैं, तो अगर ये चाहे तो इससे चल सकते हैं, एक तरह से ये इसके हाथ पैर हो गए ना। यस सर, सीलिया है तो यानी कि वो तो सीलिया होंगे। तो क्या ये, तो मैं कहना इसे कि इट हेल्प इन द लोकोमोशन। तो ये मेरे पास जो है, मतलब ये नीटोफोरा जो है, ये इस तरीके से चलने का काम करते हैं और ये लोकोमोशन। अच्छा, इनके पास एक बहुत अच्छी कैटेगरी होती है, इनके पास होती है कि ये अपनी बॉडी में लाइट निकाल सकते हैं। इनकी बॉडी में लाइट, ये वाइब्रेशन इस तरीके से करते हैं, इनकी बॉडी में ऐसे केमिकल्स होते हैं। हाँ हाँ, पानी दे दो। तो ये हमारे पास क्या है, तो ये इससे बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या होता है, विच हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस लाइट, ठीक है। तो दे एग्जिबिट, पानी दे दिया, यस। तो इट एग्जिबिट्स बायोल्यूमिनेसेंस। क्या आलू में पानी मिला के दे दो? आर ओ का पानी, मेरे को लगा आलू का पानी। मतलब आलू को घोट के उसका आलू का जूस पीते हैं हम तो भैया, आलू को एकदम घोट देते हैं और इस साइड जो बचता है उसके पराठे, और इस साइड जो जूस निकलता है उसको पी लेते हैं डायरेक्ट। बहुत सही, इसे इसे कहते हैं पूरा 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 एकदम 100% यूटिलाइजेशन, पैसा वसूल। क्या बात हो रही है? अरे कह रहे हैं आलू का जूस, आलू का जूस पिया कभी? देखो सर, पूरी रामायण खत्म हो रही है, राम कौन है? तो अच्छा भाई, ये कह रहे राम मैं खुद ही हूँ। अच्छा अच्छा, देखो तो ये हमारे पास, भाई क्या हो गया तुम लोगों की, तो लड़ाई हो गई है? पहले तो दोनों एक दूसरे के लिए मतलब ऐसे बातें करते थे कि और भाई क्या हाल चाल है, और अब तो लड़ाई करने लगे? नहीं सर, ऐसे लड़ाई हुई है। अच्छा, वैष्णवी से पूछो, वैष्णवी क्या पहले लड़ते थे आपस में? वैष्णवी क्या ये दोनों पहले लड़ते थे? नहीं लड़ते थे ना? ये मुझे लग रहा है इन दोनों के बीच में कुछ चलाकी हुई है कि क्यों हम ना क्लास के अंदर ऐसे लड़ेंगे जानबूझ के। सब पूछ लिए, मैं बात। अरे सर क्या, मुझे लग रहा है इनके पर्सनल चैट में कुछ ना कुछ चलाकी करेगी है कि ताकि नहीं सर, ऐसा नहीं है कि सब पता है। चंदन तुम बताओ, चंदन तो बात हुई है सर। हाँ चंदन तुम बताओ, इनके बीच में कुछ ना कुछ चाल चाल चली है ना इन्होंने कुछ ना कुछ पर्सनल चैट पे, तुम्हें क्या लगता है? क्या बताएगा सर? चंदन को सब बताया था तुम? हाँ चंदन तुम बताओ। चंदन चंदन कह रहा है 100 सवालों के जवाब से अच्छी है मेरी एक खामोशी। कुछ नहीं बोल रहा चंदन। इसने भी ना अपना माइक अनम्यूट किया और फिर कुछ बोला भी नहीं। भाई अनम्यूट क्यों किया था तुमने? अच्छा चलो, ऐसा कुछ नहीं था सर, मैंने इससे बात करनी थी। हाँ हाँ, वेरी गुड, चलो ठीक है, वो तुम्हारा पर्सनल मैटर है, मेरा कोई मतलब नहीं है सर, ऐसा पर्सनल नहीं है। तो अच्छा, तो ये देखो, अब मुझे एक बात बताओ, इसका डाइजेशन क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर या इंट्रा सेलुलर? एक्स्ट्रा। देखो अब मुझे एक बात बताओ, इंट्रा मतलब प्रिमिटिव होता है या एडवांस? प्रिमिटिव। इंट्रा प्रिमिटिव होता है, अच्छा, और एक्स्ट्रा सेलुलर? अच्छा, तो समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? कुछ नहीं चल रहा टीवी, वो मैं अपने भगवान को याद करता हूँ बीच बीच में से, ठीक है सर। जब नेटवर्क डाउन होता है तो वॉइस ट्रांसफर नहीं हो पाती। ओ माय गॉड, तुमने बहुत अच्छी बात बताई, मेरे को पता ही नहीं था। अब मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा कि जब नेटवर्क नहीं होगा तो आवाज नहीं जाती है। थैंक यू सो मच, ठीक है, मैं अपने नोट्स में लिख लेता हूँ ये बात, ठीक है। तो ये पहली बात, तो ये लाइट प्रोड्यूस करता है, तो ये बायोल्यूमिनेसेंस करता है, ठीक है। देखो इनके अंदर दोनों टाइप की डाइजेशन होती है, अगर सेल के अंदर डाइजेशन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर। और अगर सेल बहुत सारा मिलकर कैसा स्ट्रक्चर बना दे तो ये सेल के बाहर डाइजेशन हो रहा है, जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गेन ने ऐसा हॉलो स्ट्रक्चर बोला था, तो इसके अंदर दोनों ही टाइप के देखे गए हैं। तो दे है बोथ, हाँ, एक्स्ट्रा सेलुलर भी देखा गया है और इंट्रा सेलुलर भी देखा गया है। हमारी बॉडी में क्या होता है, इंट्रा या एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा क्योंकि हमारी बॉडी में उस सेल्स मिलके एक ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, यस। तो सेल्स के अंदर डाइजेशन नहीं होता है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। अच्छा क्या लगता है, ये सेक्सुअली करते होंगे या एसेक्सुअली?
देखो ये सेक्चुअल ये गैमेट को बाहर निकालते हैं और जब बाहर गैमेट मिलते हैं तो वो क्या बन जाता है, लार्वा स्टेज बन जाता है, लार्वे। लार्वे जैसे बोलते हैं टैडपोल, छोटे छोटे स्पंज जैसे होते हैं वो, तो थोड़े शक्ल उनकी ऐसी लगती है। तो दे रिप्रोड्यूस, क्या फ्रॉग जैसे होते हैं, फ्रॉग नहीं है, ठीक है। सो फ्रॉग भी तो ऐसे ही होता है, बिल्कुल बिल्कुल। सो दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मेल अपना गैमेट अलग निकाल देगा, फीमेल अलग, और जब दोनों मिलेंगे तो वो क्या बन जाएगा, अपने आप में लार्वे बन जाता है। सो विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अच्छा, जिनकी जैसे कभी सुना है कोई भी मदर कहती है वो मेरा लार्वे हुआ है, बहुत सुंदर है मेरा लार्वे, और मेरे लार्वे का नाम है अमित, कभी सुना है ऐसा किसी ने? नहीं नहीं, बेबी तो होता है, कभी किसी का लार्वे सुना है? मतलब एक मदर कह रही कि नहीं नहीं अभी वो लार्वे, अभी थोड़ा बड़ा होने दो, जवाना, अभी तो लार्वे वाली स्टेज में है, ऐसा नहीं होता वो प्राणी होगी। तो इस तो लार्वे, तो जिसमें भी लार्वे होता है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे जैसे हमारे ह्यूमन में क्या होता है, डायरेक्ट बेबी होता है, तो डायरेक्ट बेबी होता है तो वो डायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये साहिल, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मीनिंग होता है सर? लार्वे, हाँ, अगर कोई भी पेरेंट्स है, अगर उनका बेबी किस फॉर्म में मिले, स्टार्टिंग में, जैसे मच्छर होते हैं, तो मच्छर का क्या होता होगा, तो मच्छर में, हाँ, लार्वल स्टेज, तो मच्छर में डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट होगा? यस, इनडायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट होगा, ठीक है। तो इसके दो एग्जांपल याद रखने हैं, पीसी, ठीक है, या सीपी याद रखो, कनॉट प्लेस। तो कनॉट प्लेस का मतलब है टीनो प्लेना, और एक है मेरे पास प्लूरो ब्रैकिया, प्लूरो ब्रैकिया। सर रिजल्ट कब आ रहा है किसका? अच्छा, ये 15 तारीख से पहले पहले आएगा यार, अभी तक कोई अनाउंस नहीं। वैसे तो मुझे आज उम्मीद लग रही थी कि शायद आज आ जाएगा, लेकिन तो मुझे भी लग रहा था 5 जुलाई, 5 जुलाई, मुझे लगा 5 जुलाई हो गया, आया नहीं, पर अच्छी बात है, चलो आ जाएगा आराम से, ठीक है। तो भाई हमारे पास क्या है, बहुत एक्साइट हो गया सबके सब रिजल्ट के लिए। सर मुझे सर मेरा रोल नंबर आपके पास है ना? हाँ हाँ है सर, मुझे एक्साइटमेंट नहीं है। क्या कोई एक्साइटमेंट नहीं है? मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो 11th में आ गई बस, अब मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मैंने फीस भी भर दी है स्कूल की, ट्यूशन की भी फीस भर दी है मैंने, अब रिजल्ट दो या मत दो। देखो ये हमारे पास एक तरह से नीटो 4 है, ये देख पा रहे हो इस तरीके से, मुंह में पानी आ गया वैष्णवी, कंट्रोल योरसेल्फ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, समुद्र के अंदर ये इस तरीके से होता है, तो ये बहुत सारे इसके ना ये थ्रेड लाइक देख रहे हो, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लाइट लाइट से आ रही है, तो इनके पास ये एबिलिटी होती है बायोल्यूमिनेसेंस, और इसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्ब प्लेट्स, देख रहे हो कॉम्ब प्लेट्स। तो ये पिगमेंट्स होते हैं इनके, इनमें लाइट जल्दी होती है, ये कोई दिवाली नहीं जल्दी इनकी कि दिवाली आई है आओ, ठीक है, दिवाली नहीं है इनकी, ये कोई वो कह रहा है देखो सर ये इसकी ईद मना रहा है, अरे भाई वो ऐसी उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, तो ये अच्छा, ये कितने होते हैं, 6, 7, 8, 9 8 होते हैं मेरे पास, ठीक है। अच्छा, और इसके मोस्ट कॉमन एग्जांपल कौन से होते हैं, प्लूरोब्रैकिया, टीनोप्लेना, ठीक है, देख रहे हो इनके ये ऐसे स्ट्रक्चर, गंदे गंदे से लग रहे हैं, और ये कोई साइज में ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, छोटे ही होते हैं, तो ये बॉल है या पता नहीं क्या क्या है। हाँ तो 8 है ना, 8 इस तरीके से अगर जुड़ जाएंगे तो बॉल जैसा नहीं हो जाएगा, 8 है ऐसे ऐसे, और अगर ये ऐसे जुड़ गया तो बॉल जैसा बन गया। अच्छा बताओ, ये शाइन कर रहा है नहीं कर रहा, चमक मार रहा है नहीं मार रहा, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है, याद रहेगा साहिल? यस सर, सबसे ज्यादा याद। और ये बहुत सारे सेल से मिलके बने हुए हैं, टिश्यू की एक लेयर बन गई है, देखो सारी लेयर एक जैसी है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं, टिश्यू लेयर। तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं इनके, यस टेल मी वैष्णवी, टीनोप्लेना एंड प्लूरोब्रैकिया, ठीक है भाई। तो यहाँ तक मेरे पास अब प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना होता है समाप्त। तो ये थे हमने प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना, अब इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, अनालिडा।
यस नहीं अब प्लैटी अब मेरे पास आई कैटेगरी कीड़ों के बारे में पढ़ना, तो मैंने तुम्हें कुछ हाथ से कुछ बताया था, इसका मतलब कांग्रेस नहीं है। फ्लैट होता है, जो फ्लैट होता है वो प्लैटी होता है, और जो गोल होता है वो एस्केलमेंटिस। वेरी गुड, तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि हमारे पास ये जो है ना ये हाथ सिर्फ कांग्रेस को वोट दे, तो ये जो हाथ है मेरे पास ये क्या है मेरे पास प्लेटफॉर्म, और ये जो मेरे पास गोल गोल है ऐसे कोई गाने नहीं गाएगा ये चूनिया खन के वो नहीं, ये मेरे पास जो गोल गोल है ये मेरे पास क्या है राउंड वॉर्म। तो मेरे पास दोनों वो टाइप के वॉर्म के लिए मैंने दो कैटेगरी बना रखी है, एक है फ्लैट वॉर्म और एक है मेरे पास राउंड वॉर्म। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा कि देखो फ्लैट वॉर्म जो है मेरे पास, तो उसके लिए कौन सी कैटेगरी बनाई गई है, और अगर राउंड वॉर्म के लिए बात की जाएगी तो एस्केलमेंटिस। तो इसीलिए स्टार्ट करते हैं, तो हाथ जब भी ये वाला बात आए तो ऐसा करके दिखा देना, इसका मतलब क्या होता है सर वहाँ हाथ दिखा के बोल दूंगा बाय सागर सर फिर तो और मारेंगे तो ये मेरे पास है प्लैटी हेलमिंथस और मैं ही मारूंगा। अच्छा देखो, तो प्लैटी हेलमिंथस में मेरे पास क्या होते हैं, अच्छा तुमने अभी पूछा ना चाइना के अंदर प्लेग आ गया है जिससे 24 to 48 hours के अंदर डेथ हो जाती है, एक और वहाँ पे डिजीज आ गई है खतरनाक, ठीक है, और ऊपर से एक और न्यूज़ आई है। वो लोग क्या करते हैं, नाम क्या है डिजीज का? प्लेग 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 सही, इंडिया में भी बहुत पहले आई थी, सेंचुरी तक रही थी। हाँ हाँ, सब ब्रिटिश टाइम में आई थी। हाँ हाँ, और ये चाइना में फिर से आ गया। चलो भाई अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लैटियल मेंटेस। ये जुमलेबाजी होती है, बंद बंद करते तो है नहीं भाई, सच बताऊं तो अच्छी बात है हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनको ऐसे इतना फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, उनका व्यापार इतना ऊपर से नीचे तक फैला हुआ है ना, ठीक है, थोड़ा बहुत तो चलो फर्क पड़ेगा, एटलीस्ट इतना कुछ तो अमाउंट समथिंग इज बेटर। 7.5 से 7.8 करोड़ सर उन लोगों को घाटा हो गया है। अरे उनकी टिकटॉक से बिल्कुल 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 हो गया घाटा, लेकिन उनका बहुत अभी बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे उनका मतलब अभी भी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगा हुआ है, और उससे और एक्चुअली में देखा जाए सर क्योंकि टिकटॉक तो यहीं बैन हुआ है ना, बाहर तो चल ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, कर देना चाहिए ना वो ब्रिटेन और अमेरिका, नहीं कर रहे ना वो अमेरिका और चाइना को तो कट कर दो, पक्की नहीं है दोनों की। चलो ठीक है अब आते हैं प्लैटियल मिंटस, मेरे पास फ्लैट वॉर्म्स के लिए होता है। तो अगर ये फ्लैट वॉर्म है, जैसे मान लो मेरे पास एक ऐसा वॉर्म है इस तरीके से, तो जरा बताओ अगर कोई ऐसा वॉर्म है तो ये मेरे पास रेडियल लग रहा है या बाइलेटरल लग रहा है? बाइलेटरल। देखो अब ना मोस्टली मेरे पास बाइलेटरल आएंगे, ठीक है, तो अगर तुम ऐसे काटोगे तो ये मेरे पास लेफ्ट और राइट क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से कीड़ो वाली कैटेगरी से मतलब स्टार्टिंग के तीन के बाद अब मेरे पास जितने भी आएंगे वो सब क्या आएंगे, मेरे पास बाइलेटरल आएंगे। तो जो ऑर्गेनिज्म है तो वो ऑर्गेनिज्म क्या शो करेंगे मेरे पास, बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री की होती है। अच्छा ये फ्लैट है या ये राउंडेड है? फ्लैट फ्लैट। तो अच्छा अब पीछे को हम क्या बोलते हैं, डॉर्सल, और आगे वाले को क्या बोलते हैं, वेंट्रल। तो कहना इसे डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, यस सर। तो दे आर डॉर्सो वेंट्रली, दे आर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। और एक और न्यूज आई है वैसे तो, कोरोना हवा के जरिए भी फैल जाता है आजकल, तो कुछ भी सर वो पहले अरे सही में नहीं हो रहा है, 200 से ज्यादा रिसर्च आ गई है कि कोरोना हवा से, इंडिया तीसरे नंबर पे है, पता है रशिया को भी पीछे कर दिया। इंडिया कितने आगे है, पहले 15 अरे अभी अभी तो और अभी आज भी मेरे ख्याल से रिकॉर्ड तो मामले आए हैं 15,000 के आसपास, 24,000 आए हैं, 24,000 सर 2020 के पार आ गए। तो देख लो अभी तो मेरे ख्याल से ये स्टार्टिंग हुई है जिस तरीके से, आबादी इतनी है ना तो समझ नहीं आ रहा इतने लोग भी हैं, सब मर भी तो नहीं रहे, 20,000 सब पूरा अभी तो टोटली तो 20-21,000 ही मरे, ठीक है। तो ये मेरे पास है डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा या डिप्लोब्लास्टिक होगा, क्या लगता है? ट्रिप्लो, क्योंकि यहाँ से मेरे पास ये ऑर्गेनिज्म है तो मेरे पास इनके पास तीनों लेयर आ चुके हैं, ठीक है ना, तो ये मेरे पास क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में कितनी लेयर आ जाती है जरा बताओ एक बार, कौन कौन सी,
अच्छा जब मैंने उस दिन फ्लो चार्ट बनवाया था तो फ्लो चार्ट में एक क्या था बताओ, सीलोमेट, इओसीलोमेट या फिर जीडोसीलोमेट? सीलोमेट। सोच लो एक बार। सोच लिया सर, मुझे याद है। इओसीलोमेट। ए कोई सीलम नहीं होता है और जो राउंड था उसके अंदर सीलोमेट होता है, एनेलिडा से था वो। यस सर। तो ये इओसीलोमेट है, इनके अंदर अभी तक कोई भी सीलम नहीं है, कोई कैविटी नहीं है। और ये क्या है मेरे पास, ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और ये इओसीलोमेट है। ठीक है भाई, याद रहेगा मेरे मेरे बच्चों। अच्छा ये ज्यादा टेपवर्म होता है, छोटे बच्चों के पेट में कीड़े बन जाते हैं ना, ज्यादा चॉकलेट वॉल खाते हैं तो, ज्यादा शुगर ज्यादा चॉकलेट, तो उनके पेट में कीड़े कीड़े हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होते हैं? तो वो एंडो पैरासाइट हुए या एक्टो पैरासाइट हुए? एंडो। एंडो क्योंकि वो अंदर अंदर से मतलब न्यूट्रिशन ले रहे हैं तुम्हारा, तो वो एंडो पैरासाइट हुआ। ठीक है भाई, तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ह्यूमंस के अंदर और भी बहुत सारे। क्या ये ह्यूमंस के अंदर ही होते हैं सिर्फ? क्या गाय गाय भैंस बकरी सब में हो सकते हैं? तो ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अच्छा अब देखो इनके अंदर ना एक अलग सी चीज देखी गई है, क्या इनके एंटीरियर एंड, जैसे हमारा भी एंटीरियर है, ठीक है, तो एंटीरियर एंड पे ब्रेन होता है, तो एक तरह से ये हमारे जैसा हुआ। एंटीरियर एंड पे क्या है, ब्रेन है, और ये फाइनली फिर क्या है मेरे पास, हेड है। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सेफलाइजेशन। ठीक है, तो इनका जो देखो आगे वाला जो पोर्शन है, ये वाला इतना हिस्सा, ये आगे की साइड जो है, तो यहीं पर इनका ब्रेन है और यहीं पर इनका ही पूरा माउथ है। तो इसी चीज को हमने क्या नाम दिया रखा है, सेफलाइजेशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेफलाइजेशन? सो कैन आई से दे कंटेन द ब्रेन एट द एंटीरियर पार्ट, मतलब जो सबसे आगे वाला पार्ट है। जैसे मान लो अगर हम ऐसे सीधे ना चल के ऐसे चल रहे होते हैं, ऐसे ऐसे, तो सबसे आगे हमारे क्या होता है? अरे सही है ना, सच में हम तो भाई हमारे तो पैर हो गए तो इसलिए हम सीधे ऐसे खड़े हो गए। लेकिन अगर मान लो हम पैर से नहीं ऐसे रेंग रेंग के चल रहे होते, तो आगे सबसे क्या होता मेरे? हेड, ब्रेन। तो ब्रेन होता ना इसका मतलब। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सेफलाइजेशन। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा तो ब्रेन के साथ माउथ भी है क्या? नहीं। अच्छा अच्छा, तो माउथ कहाँ पे? अच्छा ये रहा माउथ। नहीं नहीं सर, है है है, ऑफ कोर्स है। ठीक है, सो कैन आई से दे कंटेन ब्रेन इन द, स्वास्थ्य का मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। तो ये हमारे पास क्या है, so they contain brain in the anterior end। अश्वत्थ देखो गुस्सा हो जाएगी अब, कह रही है हंस कौन रहा है, अब हंस के दिखाओ। तो बॉडी डेट मेक्स, डेट मेक्स हेड। क्या पढ़ना लिखना है नहीं और, अरे कोई बात नहीं, ऐसे नहीं बोलते, ठीक है, पढ़ना लिखना वो ठीक है उसका, अच्छा था उसका, सच में नेट प्रॉब्लम था, मैं देख रहा था। ठीक है, देख लो साहिल, साहिल साहिल देखो कितना दुख होता है और तुम ऐसे कर रहे हो, बताओ। इतना दुख तो पता है किसी को नहीं होता, एक एक सच्चा मित्र ही, एक सच्चे मित्र को इतना पेन हो सकता है, तो मुझे नहीं होता। तुम चुप रहो। अच्छा वैष्णवी से पूछ लो, कोई इतना सोचता है क्या, ये पढ़ता लिखता तो है नहीं, पढ़ता लिखता तो है नहीं, इसका मतलब कितनी केयर है, कितना कितना कितनी केयर है, इतनी केयर कौन करता है? मान लो अगर मैं किसी से चलता हूँ, मैं कहता हूँ चलना है, अच्छी बात है, और मेरे को इतनी टेंशन हो रही है, मतलब उसके नंबर नहीं आ रहे, मतलब वाओ। तो इसलिए साहिल, साहिल प्लीज किसी को निराश नहीं करते ना ऐसे, तो समझो ना थोड़ा सा, तो ऐसे किसी को निराश मत करा करो, ठीक है। हाँ तो ये इसके पास कौन सी कैटेगरी होती है, ऐसे स्वास्थ्य का रोने वाली है बस बहुत जल्द। तो ये मेरे पास क्या है, सेफलाइजेशन। ठीक है भाई, तो कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? नहीं। यस चंदन, ओ चंदन ने, आज चंदन ने डीपी लगा रखी है, बड़ी अच्छी वाली सी नाम की। ठीक है चलो, यस चंदन ये बताओ सेफलाइजेशन क्या होता है? पर कंटेन बॉडी मतलब ब्रेन, बस ब्रेन और या कुछ और भी? माउथ, ब्रेन। हाँ जैसे हमारे पास हेड है ना, हेड के अंदर ब्रेन है और ये पूरी मतलब इतना हिस्सा जिसके पास होता है उसे हम क्या बोल सकते हैं, सेफलाइजेशन बोल सकते हैं। ठीक है भाई। अच्छा देखो हमारे पास किडनी है, क्या तुम्हें लगता है फ्लैटवर्म के पास किडनी होती होगी? नहीं नहीं, तो इनके पास एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो इनके मतलब स्ट्रक्चर क्या, छोटे छोटे सेल्स होते हैं और उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल्स। तो वो ही इनकी बॉडी में ऑस्मोसिस मेंटेन करते हैं और वो ही इनकी बॉडी में एक्सक्रीशन करवाते हैं, मतलब इनके वेस्ट को बाहर निकलवाते हैं। ठीक है, सो यू शुड रिमेम्बर, सो दे हैव किडनी और समथिंग एल्स, फ्लेम सेल्स। यस फ्लेम सेल्स।
तो इनके पास फ्लेम सेल्स होते हैं, और जैसे जो काम हमारा किडनी करती है वो काम इनके अंदर किया जाता है। तो ये फ्लेम सेल्स होते हैं, तो वो देखो हमारी बॉडी की किडनी जो होती है वो हमारी बॉडी में आयरन बैलेंस करके भी रखती है, राइट। तो ऐसी फ्लेम सेल्स भी हैं, तो वो फ्लेम सेल्स, यस, तो स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग गलत है, सही तो है, सही होगी तब, बीच में आपने ओवरराइट किया, चुप बता दो। तो ये मेरे पास क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन, और ये क्या मेरे पास, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सब मत कहिएगा, मिस पुस्तिका तुमको टीचर बनने वाली है इंग्लिश। तो ये मेरे पास क्या है, दो फ्लेम सेल्स हमारे पास दो चीजें होती हैं, ठीक है, ठीक है भाई। तो यहाँ तक किसी को भी दिक्कत, देखो भाई ये एनिमल किंगडम चल रहा है, एक एक चीज याद रखनी है, एक एक चीज एक बार याद कर लो, उसके बाद पूरी टेंशन खत्म। तो लोगों को तकलीफ में तो याद करनी पड़ेगी, हाँ, तो इसीलिए अभी से अभी याद करके चलो, ताकि उस टाइम पे ज्यादा लोड ना आए, ठीक है। अच्छा देखो, ये जो होते हैं ना, इनके अंदर क्या होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और इनके और कुछ कुछ के अंदर लार्वल स्टेज भी देखी गई है। तो इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखा गया है, तो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बट जिनकी, देखो जिनकी भी फर्टिलाइजेशन बाहर होते हैं तो उसके अंदर लार्वल स्टेज बनती ही बनती है। तो यू कैन से सम मे पजेस लार्वल स्टेज, तो सम ऑर्गेनिज्म के अंदर लार्वल स्टेज भी हो सकती है, मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। तो याद है तुमने एक प्लेनेरिया देखा था 10th क्लास के अंदर, प्लेनेरिया, यस सर, ठीक है। तो ये प्लेनेरिया का, मतलब प्लेनेरिया भी इसका बेस्ट एग्जांपल है, जिसको जो जो डायग्राम दिखाते हैं एनसीईआरटी में, तीन हिस्सों में कट गया है, राइट, यस सर। तो ये प्लेनेरिया ऐसी बॉडी के अंदर टेप वर्म हो जाता है ज्यादा, अगर तुम चॉकलेट वॉकलेट खाते हो, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, टेप वर्म। तो टेप वर्म अच्छा होता है, बुरा होता है, बुरा होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, दिक्कत हो जाती है सारी न्यूट्रिशन एकदम सारा चूस लेंगे। फैसियोला, ऐसी मेरे पास क्या होता है, लिवर फ्लोक होता है, हमारी बॉडी के इंटेस्टाइन में पूरी तरीके से इन्फेक्शन करता है, बहुत सारी फीवर, हेडेक, ये सब चीजें होती हैं। ऐसी इसको हम बोलते हैं टेप वर्म को, टेनिया सोलियम। टेप वर्म को जो नाम होता है ना वो होता है टेनिया सोलियम, लेकिन तुम अभी टेनिया याद रखो, टेनिया नहीं कि टहनी तोड़ना भैया, टेनिया, टेनिया, ठीक है। तो किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई, नहीं, तो वॉशरूम ज्यादा जाओगे कम जाओगे, ज्यादा और कम पियोगे तो वॉशरूम कम जाओगे, तो वही वाली बात है। स्वास्थ्य का बहुत हंसी आ रही है, अच्छा। तो उसी को बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब जब हमारी बॉडी में आयन्स को मेंटेन करके रखना, ठीक है। अगर हम ज्यादा पानी पियेंगे तो ज्यादा जाएंगे, कम जाएंगे तो कम जाएंगे, ठीक है। वो है ऑस्मो रेगुलेशन, बस। गॉट इट एवरीबॉडी? चंदन, चंदन, यस सर, हाँ, समझ में आ रहा है चंदन? हाँ सर, आ रहा है। अच्छा, ये क्या होता है टेनिया सोलियम? टेप वर्म होता है। अच्छा, और ये तुम तो डांट रहे हो, ये तो गुस्से में लग रहा है बहुत ज्यादा। हाँ, साइंटिफिक नेम। तो मुझे एक बात बताओ चंदन, ये जो मेरे पास एंडोपैरासाइट है इसका क्या मीनिंग होता है? सर ये मतलब अंदर रहता है, अंदर रहता है बस, हाँ, और न्यूट्रिशन भी ले लेता है, ठीक है ना। तो ये हमारी बॉडी का न्यूट्रिशन भी खींच लेता है, इसलिए से बोलते हैं एंडोपैरासाइट, ठीक है, वेरी गुड। ऐसी हमारे पास क्या होता है, एक एसेल मिंथिस। तो ये तो दूसरे फाइलम में आ गए ना? हाँ, अब हम दूसरे में आ गए, खत्म। आप लिखते सुनिए सर, फाइलम। तो ये मेरे पास है एसेल मिंथिस, फाइलम। तो अब मेरे पास ये राउंड वॉर्म है या फ्लैट वॉर्म है, जरा बताओ सर। राउंड। अच्छा, तो राउंड वॉर्म तो राउंड जैसा होना चाहिए, फ्लैट जैसा होना चाहिए? देखो round, एक बच्चा कह रहा है सर, एक सेकंड जरा सोचने दो। अरे सोच रहे कि सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं इसके अंदर। हां सही साही हो सर। देखो मुझे लग रहा है कि साहिल का नाम मेरे ज्यादा तुम ही ले लेते हो, वेरी गुड सर। फिर अच्छा क्या करें? अच्छा देखो, ये अब देखो हमारे पास ना, ये जैसे तुमने नाम सुना होगा एस्केरिस, तो ये वाला मेरे पास क्या है, फीमेल का होता है, ये फीमेल है, मतलब, और ये मेरे पास बड़ा होता है। हाँ, फीमेल बड़ा होता है, ठीक है, और मेल यहाँ पे क्या होता है, छोटा होता है। तो ये जो मेरे पास है ये क्या होंगे, मेरे पास सिलिंड्रिकल कैनाई से। तो अच्छा देखो, ये वाला जो एसल मिंथस है कैनाई से, ये मेरे पास टेपरिंग एट द एंड है, इजंट इट? अरे टेपरिंग एट द एंड का मतलब क्या होता है, कोने कोने से पतला हो जाना, टेपरिंग एट द एंड, ऐसे। टेपरिंग एट द, तो एसल मिंथस मेरे पास पहली बात तो ये राउंड वॉर्म होता है, राउंड वॉर्म, और इनकी जो बॉडी होती है वो सिलिंड्रिकल होती है। समझो तो स्पाइरल, स्पाइरल स्पाइरल
अरे है तो सिलेंड्रिकल, हाँ ठीक है थोड़ा सा ये टेपर्ड हो गया लेकिन ओवरऑल बॉडी तो सिलेंड्रिकल जैसी है ना, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कैन आई से दे आर टेपर्ड एट द एंड? यस सर, टेपरिंग एट द एंड। अच्छा ये मैंने डायग्राम बनाया किसका है वैसे? इस साइड राउंड वॉर्म, राउंड वॉर्म है, लेकिन कौन सा वाला? एस्केरिस, नाम सुना है कभी? यस सर। तो एस्केरिएसिस एक डिजीज होती है जिसमें बहुत उल्टी, दस्त, ये सब बहुत बुरी सिचुएशन, खांसी, जुखाम, मतलब जुखाम नहीं, खांसी और फीवर, तो ये हो जाता है एस्केरिस, ठीक है ना? तो इंटेस्टिनल कोरोना का दूसरा रोग ये, हाँ बोल सकते हो काइंड ऑफ, वो वायरस है लेकिन ये क्या है मेरे पास, एक तरह से हेलमिंथिक है, मतलब कीड़े वाली डिजीज, तो ये एस्केरिस है, ठीक है भाई। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा या डिप्लोब्लास्टिक? देखो एक एक बार ट्रिप्लो डेवलप हो चुका है तो अब कोई दोबारा से डिप्लो नहीं बन सकता, तो इसलिए एक बार ट्रिप्लो आ गया तो अब वो ट्रिप्लोब्लास्टिक ही रहेगा एडवांस, ठीक है भाई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये एओसिलोमेट है, जीरोसिलोमेट है, ईओसिलोमेट? जीरोसिलोमेट। अच्छा जीरोसिलोमेट का मतलब अपने आप में क्या होता है? फॉल्स सिलोमेट। हाँ देखो इसके पास कैविटी तो है, कैविटी तो है, लेकिन वो कैविटी मेसोडर्म से प्रॉपरली लाइंड नहीं है, राइट? उसमें एक्टोडर्म भी है, उसमें एंडोडर्म भी है, लेकिन मेसोडर्म प्रॉपरली लाइंड नहीं है मेरे पास, ठीक है। और उसकी जो बॉडी होती है वो मेरे पास क्या होती है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे इसके पास ऑर्गन लेवल, वैसे ऑर्गन वहां पे भी आ गया था, तो ये मेरे पास ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, याद रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों। अच्छा ये सारे अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं? बुरे होते हैं। देखो कुछ एक दो फ्री लिविंग हो सकते हैं, मतलब कुछ एक दो अच्छे हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होते हैं, नुकसान करते हैं, बताऊंगा। हाँ तो ये मेरे पास फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, मतलब उनको किसी को मतलब नहीं है, लेकिन कुछ मेरे पास मोस्टली क्या होते हैं, मेरे पास पैरासाइटिक भी होते हैं। तो पैरासाइटिक सिर्फ एनिमल के लिए ही नहीं, प्लांट और एनिमल दोनों के लिए, तो ये प्लांट और एनिमल दोनों के लिए पैरासाइटिक हो सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं उनको। अच्छा तुम्हें क्या लगता है इसकी बॉडी का डाइजेस्ट सिस्टम कम्प्लीटली पूरा है या इनकम्प्लीट है? देखो मैंने कम्प्लीट बताया, देखो कम्प्लीट का मतलब क्या होता है, माउथ होता है, उनकी एनएस होती है, राइट, पूरा कम्प्लीट। और इनकम्प्लीट का मतलब जिनके पास सिर्फ एक ही माउथ होता है, उसी से खाते हैं और उसी से वेस्ट डिस्चार्ज करते हैं, तो क्या लगता है? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट है। देखो 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 ये कीड़े हैं और ये काफी एडवांस है, तो इनके पास माउथ और एनएस दोनों है, तो ये मेरे पास कम्प्लीट है, ठीक है। तो इनके पास एक कम्प्ली, ये ऐसे एडवांस, ये जो एसेलमेंटस है ना, ये एडवांस टाइप के वॉर्म्स हैं, तो इनका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। कोई दिक्कत है इसके अंदर? तो इसका कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है, एक पूरा वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स है, पूरा वेल डेवलप कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक सिस्टम अच्छा है, ठीक है। अच्छा अब इसके मेल और फीमेल अलग अलग है या सेम है? अलग अलग है। तो अलग अलग है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? डाइमॉर्फिज्म। डाइमॉर्फिज्म का मतलब मेल और फीमेल को हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो डाइमॉर्फिज्म का मतलब तुम मेल और फीमेल को इजिली पहचान सकते हो, तो डाइमॉर्फिज्म। डाइमॉर्फिज्म, हां सर, फिर से स्पेलिंग आपकी कर दो, ठीक है। तो डाइमॉर्फिज्म, क्यों मैं इंसान नहीं हूँ क्या? ठीक है सर, टीचर है, गुरु गुरु, तो मेल इज, हाँ गुरु हूँ मैं, गुरु पूर्णिमा तो किसने विश किया नहीं, इतने बच्चे भी बच्चे मिले मुझे, गुरु पूर्णिमा में गुरु मुझे, नहीं 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 नहीं, ये कोई बोलने से नहीं होता है, जिसको सच में गुरु मानना होता है वो गुरु पूर्णिमा कर देता है, मैं कोई भूखा नहीं हूँ कि लो लो मुझे गुरु पूर्णिमा विश करो, करो करो करो, वरना बहुत बधाई होगी, ये मुझे कोई शौक नहीं है। आपने तो बोला, चुप हो जाओ, नहीं नहीं रहने दो, पता लग गया गुरु के नाम पे कुछ नहीं, बस गुरु कहाँ बोलते हैं आपको, हम आपको सर बोलते हैं, तो हूँ तो गुरु ही। हैप्पी बिलेटेड सर पूर्णिमा, ठीक है। तो ये मेरे पास डाइमॉर्फिज्म है, और मेरे पास मेल क्या है छोटे, फीमेल क्या है मेरे पास बड़े, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे तुम्हें क्या लगता है ये सेक्सुअली करेंगे या एसेक्सुअली? अरे जब मेल फीमेल है तो सेक्सुअली करेंगे ना, ऐसे थोड़ी की मेल फीमेल भी हो तब भी एसेक्सुअली कर रहे हैं, तो फिर वो मेल फीमेल बने ही क्या होते, ठीक है। तो ये मेरे पास सेक्सुअली होते हैं, और इनके अंदर क्या होता है इंटरनल, तो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। और ये मतलब डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, मतलब देखा जाए तो बेबी डायरेक्ट भी हो सकता है, और कुछ जो गैमेट्स होते हैं, तो मतलब कुछ बेबी बाहर भी आ सकते हैं, तो वो लार्वल स्टेज भी हो सकता है,
तो इनडायरेक्ट भी हो सकता है। सर डायरेक्शन क्यों लिखे हैं? डायरेक्ट लिखा है सर, देखो सर। तो ये इनडायरेक्ट भी हो सकता है और डायरेक्ट। सर का कैसा लगा मजाक? सर तो पकड़ रहे थे कैसा? हाँ ठीक, तुम ज्यादा ना शांत रहो। तुम ठीक है। तो मेरे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये दो टाइप के। अच्छा इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है साहिल वैसे? सर मतलब जो प्रेजेंट होगा ना, जो बेबी। हाँ जो लार वाले स्टेज को बनाएगा। ठीक है, किसी को लग रहा होगा मैं बता नहीं पाऊंगा। हाँ मुझे लग रहा है नहीं बता पाऊंगा। अच्छा तो ऐसी हमारे पास क्या होता है, देखो एक्सक्रीशन के लिए भी ना इनकी बॉडी में एक पोर होता है, तो उस पोर को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रेटरी पोर। तो वो एक्सक्रेटरी पोर से जितने भी नाइट्रोजन, जैसे हमारी किडनी होती है तो ऐसे इनके बॉडी में एक्सक्रेटरी पोर होता है, तो जिससे वो क्या कर लेते हैं? अपना एक्सक्रीशन कर लेते हैं। ठीक है, अपने बॉडी के नाइट्रोजन वेस्ट को निकाल देते हैं। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? नींद आ गई मुझे, इतना बोरिंग सा ये। तो ठीक है, तो इसके बेस्ट एग्जांपल्स क्या क्या होंगे मेरे पास? राउंड वॉर्म। राउंड वॉर्म तो है एस्केरिस। तो याद रखना सारे बच्चे, किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसी के साथ हमारा अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी हमारा वॉर्म की कैटेगरी खत्म हो चुकी है। तो हमने देखो अब तक क्या क्या देखा है, हमने देखा पॉरीफेरा, सिलेंट्रिटा, नेटोफोरा, प्लेटियल मेंटस और एसएल मेंटस। तो अब तक हमने कितनी कैटेगरी पढ़ ली है? तो अब तक हमने पांच पढ़ लिया, सॉरी मैंने ऐसे लिखा था। तो पॉरीफेरा, सिलेंट्रिटा, नेटोफोरा, प्लेटियल मेंटस, एसएल मेंटस। ठीक है, मैंने एक छोटी ऐसे कर रखी थी ना। तो हमारे पास क्या है? तो ये मेरे पास क्या खुद के पास तो गिनती नहीं आती क्या? एलकेजी यूकेजी में नहीं पढ़ा क्या? अरे बस बस कोई बात नहीं। तो ये मेरे पास फाइनली क्या हो गया? अब मुझे लग रहा है कि स्वास्थ्य का बिल्कुल एकदम विपक्ष बन गई है आज तक ना, किसी का नहीं सुनाऊंगा इतना। कोई बात नहीं स्वास्थ्य का, प्लीज काम डाउन काम डाउन। ठीक ही नहीं सी बोला क्या वैसे? कुछ नहीं बोला, कह रहा है कि टेक अ चिल पिल। यस, तो अब वो कह रही है यू शुड टेक अ चिल पिल। आई ऑलवेज टेक अ चिल पिल। अच्छा भाई, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? यस वैष्णवी, चंदन सही है, चंदन एक तो हमारे बच्चे बहुत एक तो बायोलॉजी में बच्चे इतने सारे हैं संभाल नहीं पाता मैं, ऊपर से दो तीन बच्चे एकदम नेग्लिजिबल ही हैं, एकदम 10 to 0। चंदन सर बोल सर, ओके ओके ओके, नेटवर्क इश्यू है। ओके तो गाइस यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा तो अब मुझे वैष्णवी एक बात बताओ, ये जो मेरे पास एसएल मिंथस था और जो प्लेटियल मिंथस था, क्या डिफरेंस था दोनों के बीच में? सर बहुत डिफरेंस है। वाओ वेरी गुड, क्योंकि इतना इतना सटीक आंसर आज तक मैंने सुना नहीं है, तो मैं रामनाथ कोविंद जी से सिफारिश करूंगा कि वो इस बार आपको जरूर बुलाएं। हाँ और कुछ बोलना? सर वो सर सुनो ना सर, सर प्लेटियल मिंथस जो होते हैं वो एसिलोमेट होते हैं और जो एस्कल मिंथस होते हैं। स्वास्तिका स्वास्तिका ये स्वास्तिका मुझे लग रहा है जाल फैला रही है ताकि तुम बोल ना पाओ। स्वास्तिका अपनी ऑडियो ऑफ करो और हंसते रहो अकेले अकेले। ठीक है, हाँ वेरी गुड। यस वैष्णवी कंटिन्यू। हाँ सर, जो वो क्या कहते हैं जो प्लेटी हेलमेट होते हैं, जो प्लेटी हेलमेट होते हैं वो एसिलोमेट होते हैं और जो एस्कल मिट्स होते हैं वो सूडोसिलोमेट होते हैं। वेरी गुड। अच्छा वो एक बात बताओ, उनमें से पैरासाइट कौन से हो सकते हैं? सर प्लेटी हेलमेट। अरे पैरासाइट दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है ना, पैरासाइट की प्रॉपर्टी तो भाई कीड़े तो कीड़े होते हैं, पैरासाइट तो दोनों ही हो सकते हैं ना, मैंने लिखवाया हुआ है देखो कि दोनों के दोनों के अंदर प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। यस और नो? अच्छा मुझे एक बात बताओ, दोनों के एक्सक्रीशन अलग अलग तरीके से होते हैं, पहले वाले में एक्सक्रीशन कुछ और है, दूसरे वाले में एक्सक्रीशन कुछ और है, कैसे? सर इसमें सर पहले उसमें मैंने बताया था फ्लेम सेल याद आया? हाँ, 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 और इसमें क्या होता है? एक्सक्रेटरी पोर। तो मेरे पास प्लेटियल मिंथस में क्या होता है? फ्लेम सेल्स होते हैं और इसमें एक्सक्रेटरी पोर होता है। ठीक है, याद रहेगा? यस सर। अच्छा क्या लार्वल स्टेज दोनों में हो सकती हैं? हाँ सर हो सकती हैं। हाँ सर हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब ठीक है, तो इतना याद रहेगा आई होप। ठीक है ना भाई, तो याद रखा जाए। अच्छा ये टेनिया सोलियम किसका एग्जांपल है, एसएल मिंथस या प्लेटियल मिंथस? एसएल प्लेटियल मिंथस आई थिंक। टेनिया सोलियम एक बार सोच लेना। प्लेटी हाँ प्लेटी। ठीक है, डॉर्सो वेंट्री फ्लैटेंड टेनिया सोलियम।
ठीक है भाई। तो ये मेरे पास कीड़ों वाली कैटेगरी फाइनली यहाँ पे खत्म होती है। देखो अब जो हमें पढ़ना है ना, तो अब हम यस, तो अब मेरे पास देखो अब जो यहाँ से आ रहे हैं, अब यहाँ से थोड़े से इतने आएंगे कि उसे तुम अपनी आंखों से देख सकते हो। अब तक जो चीजें थी उसे तुम अपनी आंखों से देख पाओ ये थोड़ा मुश्किल होता था, अब जो चीजें आ रही हैं अब वो तुम्हें ठीक अपनी आंखों से तुम देख चुके रियल लाइफ में। जैसे मेरे पास एनेलिडा आएगा, मेरे पास आर्थ्रोपोड आएगा, मॉलस्का, और यहाँ से ज्यादातर चीजें एडवांस हो गई हैं लोगों की, जैसे बाइलेटरल सिमेट्री होगा, ऑर्गन लेवल सिस्टम होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा, ठीक है, और ये मोस्टली बाइलेट, और उसके बाद काफी एडवांस भी होगा, इनका डाइजेस्टिव ट्रैक पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है, इनके लेग्स होंगे वेल डेवलप, वेल डेवलप माउथ होगा, तो ये सब चीजें आने वाली है। आर्थ्रोपोडा मोलस्क, एनिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ये सब करा था ना, याद आया? यस सर। इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा, फिर कॉर्डेटा, हम किसके अंदर आते हैं वैसे देखा जाए तो हम आते हैं कॉर्डेटा के अंदर, राइट। कॉर्डेटा का मतलब, वैसे हम कॉर्डेटा के अंदर क्यों आते हैं? ये दिखा देता हूँ कि मेरे पास ये एसएल मिंथस किस तरीके से होता है। ये काफी मतलब पैरासिटिक होता है और तुमको नुकसान पहुंचाता है। देखो इसी के अंदर ना एक चीज और होती है, हक और सकर्स होते हैं, वैसे मैं दिखा दूंगा। हुक और सकर्स का मतलब क्या होता है? देखो तुम्हारे इंटेस्टाइन में खाना होता है तो ये क्या करते हैं, हुक से, एक हुक होता है इनका जिससे ये तुम्हारी बॉडी में ऐसे अटैच हो जाते हैं हुक से। जैसे जो मान लो चोर चोरी कर रहा है ना, ऐसे क्या करते हैं तो हुक से अटैच हो जाता है, तो उस तरीके से ऊपर चढ़ जाते हो, तो हुक है, तो ये तुम्हारे इंटेस्टाइन में हुक। हाँ अरे मतलब हुक, जैसे मान लो इंटेस्टाइन में इन्होंने कुछ ऐसे फंसा लिया तो अब ये तुम्हारे इंटेस्टाइन में अटैच रह गए ना इस तरीके से, चाहे कुछ भी हो जाए, पानी वानी पियो तो हटेंगे नहीं, तो हुक से अटैच हो जाते हैं। और ऐसे इनकी बॉडी में क्या होते हैं, सकर्स होते हैं, ऐसे तीत होते हैं जिससे ये तुम्हारी वो इंटेस्टाइन में से सारा का सारा न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं। मतलब हुक का मतलब जो तो इंटेस्टाइन में अटैच रहेंगे तुम्हारी बॉडी से, और सकर्स का मतलब ये तुम्हारी बॉडी से न्यूट्रिशन चूसते रहेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो हुक का मतलब बेसिकली किस चीज के लिए है? इंटेस्टाइन से अटैच है। यस, और इसका मतलब क्या है मेरे पास सकर्स का? जीरोसिलोमेट का मतलब अपने आप में क्या बात है? इनके अंदर कैविटी पूरी अच्छे से नहीं होती कैविटी। वेरी गुड, तो मैं एक बार समझ जाइए सर मेरे। हाँ मैं समझ गया, छोटी क्लास में जाना है सर, छोटी क्लास हुई सर, बहुत कम टाइम। अच्छा सर, कुछ लोगों को ज्यादा हंसी नहीं आ रहा है। तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो ना, इसलिए क्लास में छुट्टी लगती है। सर आज तो मैं कुछ बोलता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, सबको अधिकार है हंसने का, ये बात तो मैं कहना पड़ेगा। मैं किसी की साइड नहीं हूँ भाई, लेकिन फैक्ट तो फैक्ट है। हाँ भाई, तो ये देखो ये मेरे पास एसएल मिंथस है, और ये साइलेंट फीचर से देख पा रहे हो, ये हुक वॉर्म एस्केरियसिस, इतना हुक वॉर्म और एस्केरियसिस, ये मेरे पास क्या है, हम एसएल मिंथस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये मेरे पास यस, तो ये कभी कभी हमारी आईज में भी आ सकता है, हमारे इंटेस्टाइन में भी आ सकता है, ऐसी मेरे पास देखो आ जाते हैं कीड़े, आ जाते हैं इसके अंदर। हाँ जब जब आंखों को तुम मसलते हो ना तो वो आंखों में भी आ जाते हैं, और ऊपर से कभी वो देखा है एक किसी का पैर हाथी जैसा हो जाता है, ना वो पूरी तरीके से वैसे डिफाइन नहीं होती है इसमें, तो पिक्चर के अंदर पूरा दिख रहा होगा, लेकिन रियल में मीजोडम इनकम्प्लीट सी होती है। तो ये फॉल्स इलम है, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया तुम लोगों को, ठीक है? Yes, sir. ठीक है, तो देखो ये इस तरीके से इंटेस्टाइन में आते हैं, और इंटेस्टाइन में ऐसे न्यूट्रिशन लेते रहेंगे हमारा। इंटेस्टाइन ऐसा होता है, इंटेस्टाइन काइंड ऑफ इसके जैसा है, अभी तो इसमें खाना नहीं है, वरना तो खाने से भरा रहता है हमारा ये, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने बताया था ना एस्क्रेटरी पोर, ये देख पा रहे हो इधर एस्क्रेटरी पोर लिखा हुआ है,
तो एस्केलेटी और इनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ये फेरिंग्स भी है, माउथ भी है, रिप्रोडक्टिव पोर भी है जिससे ये रिसीव करेगा, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो इस तरीके से इनकी बॉडी के पूरा ये सिस्टम होता है, ठीक है। अच्छा ये मैंने बताया था डायोशियस का मतलब सेक्सेस सेपरेट होते हैं, उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं जिसमें मेल और फीमेल अलग दिखते हैं, आई मैंने बताया था डायमॉर्फिज्म। यस, डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है जिसके मेल और फीमेल अलग दिख जाए, जैसे फीमेल्स लॉन्गर होती हैं, तो इसे क्या देखो लिखा है ना शोज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मतलब जैसे ह्यूमंस में भी क्या मेल, क्या ह्यूमंस की शेप को देख के कोई पहचान लेगा ये मेल होगा या फीमेल? नहीं। अरे हाँ पहचान लेते हैं, मैं इंसान की बात कर रहा हूँ, पहचान लेते हैं, ठीक है। तो मेल की बॉडी थोड़ी अलग होती है, फीमेल की बॉडी थोड़ी अलग होती है, पहचान में आ जाती है। तो वही मेरे पास क्या इनके यूनिक फीचर्स हैं, तो फीमेल्स आर लॉन्गर देन दी मेल्स, ठीक है भाई। तो ये तो देख रहे हो इनकी शक्ल कितनी अच्छी है, वैष्णवी वैष्णवी कंट्रोल योरसेल्फ। यस, मैं जानता हूँ पानी आ रहा है, वैष्णवी कह रही हो वाओ ये एनसाइक्लोस्टोमा कितना अच्छा है, ये तो चौमिन जैसा लग रहा है, इसे मैं रोज खाती हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, हुकवॉर्म एस्केरियासिस। हाँ मुझे पता है तुम्हें वॉचर एरिया बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। तो ये वॉचर एरिया है, ये हुकवॉर्म है, एस्केरियासिस है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी कोई डाउट है? देखो ये तो फिर भी कम है वॉचर एरिया, इससे भी ज्यादा हो जाता है, फूल जाता है एकदम। ये ठीक नहीं होता, 18 साल तक रहता है, 18 से 20 साल तक। हाँ 18 से 20 साल तक रहता है ये, मिट्टी विट्टी में रहता है, अगर तुम मिट्टी विट्टी में ज्यादा खेले हो बचपन में तो वो फूल ही जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है भाई? नो। तो एस्केरियासिस के मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या बोलोगे? एस्केरियासिस, ठीक है, हुकवॉर्म और फिलेरियल वॉर्म। फिलेरियल वॉर्म से क्या हो जाता है तुमको? एलिफेंटियासिस, पैर एकदम फूल जाता है, ठीक है, चल नहीं पाओगे। तो ये मेरे पास क्या था पूरा का पूरा एसेलमिंथस के बारे में। तो यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है भाई? No, sir. तो इसी के साथ हमने प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ लिया, नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे एनेलिडा, क्योंकि हाँ, तो नेक्स्ट क्लास से हमने, अरे तो अच्छे से करो, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, आज के लिए इतना ही, एक घंटा और इसी को देखो। हाँ हाँ।